अस्सलाम वालेकुम, यू आर ऑन एयर। हेलो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, फरमाइए जी। मुफ्ती साहब से बात करनी थी मैंने। जी जी, सुन रहे हैं आपकी बात। मुफ्ती साहब के बारे में तो तारीफ कुछ कर नहीं सकती मैं, इतने अल्फाज नहीं मेरे पास। बस यही कहूंगी कि समंदर में से मोती ढूंढने के बराबर है उनकी तारीफ जी। और कुछ नहीं कह सकती। जी मुफ्ती साहब से एक सवाल है मेरा कि मैं अपने बच्चों की तरफ से बहुत सख्त परेशान हूँ। एक तो वो बात नहीं सुनते और बेटी की शादी के लिए बहुत बड़ा मसला है, कोई रिश्ता नहीं आता, और अगर आ भी जाए तो वो मना कर देती हैं, और बच्चों के लहजे में बहुत सख्ती है हमारे लिए। मेरी मदद करें प्लीज। मुझे कोई ऐसे नाम अल्लाह का बताएं जो चलते फिरते मैं पढ़ सकूं, उसमें आसानी और इनकी नौकरियां हो जाए। ठीक, बहुत शुक्रिया। बाकी वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, सबसे पहले आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। जिस अंदाज से आपने मुख्तसर अल्फाज में जो वो इजहार मोहब्बत किया है, ज़ाहिर है कि तारीफ़ के काबिल तो अल्लाह की ज़ात है जो सारे निज़ाम को चला रहा है, जो ज़र्रे को आफ्ताब बना देता है, वही हमसे ये काम ले रहा है। और ये इशात दीन, दिफा इस्लाम और ख़िदमत खल का काम मैं कर रहा हूँ, और ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को राहत ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाऊँ, इलमी एतबार से, रूहानी एतबार से और ज़ाहरी बातनी एतबार से राहत पहुँचा सकूँ, ये मेरा मिशन और मतम नज़र है। और जब आप हज़रात फीडबैक देते हैं तो मसरत होती है कि अब इंशाल्लाह जो है वो सही ट्रैक पर गाड़ी चल रही है, ज़रूर अजर मिलेगा। तो हुस्ने ज़न है अल्लाह से, अल्लाह ताला बरकत दे और आपको भी खूब जो है प्रोग्रामों से इसी तरीके से नफ़ा पहुंचाता रहे। बाकी आपने सवाल बहुत ही खूबसूरत किया और हर घर की ज़रूरत है। मज़े की बात ही पहले, इससे पहले वाले सवाल में जो मैंने अमल बताया वही अमल जो है यकसा इसके अंदर मुअस्सिर है, और वो सूरह फुरकान की आयत नंबर 74, ये आपने पढ़नी है 41 टाइम और अव्वल आखिर 373 दफ़ा, 373 टाइम जो है वो दुरूशी पढ़ना है। दुरूद जो नमाज वाला दुरूद भी पढ़ सकते हैं, और नमाज वाला दुरूद जो पूरा पढ़ लें दोनों दुरूद मिला के तो भी सही है, और अगर एक हिस्सा पढ़ लें तो भी वो दुरूद में शामिल हो जाता है। और या कोई शॉर्ट वाला दुरूद पढ़ सकती हैं, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलि वसल्लम, ये भी पढ़ सकती हैं, लेकिन 373 की तादाद बिल्कुल एक्यूरेट रहनी चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अव्वल आखिर ये पढ़ना है और दरमियान में ये पढ़ के पानी दम करना है, पानी दम कर घर में छिड़कना है, और सब बच्चे जो भी नाफरमान हैं बात सुनते नहीं उनको पिलाना है। अगर पिलाना मुमकिन ना हो तो उसके हिस्से का पानी जो है वो पौधों में डाल दें, फूलों का पौधा हो तो बहुत अच्छा है, उसको भी छिड़क भी दें और पानी वहाँ डाल दें। ये जो है 41 डेज पाबंदी से कर लें, ज़बरदस्त अक्सर ये अमल है कि इंशाल्लाह अल्लाह तबारक व तआला औलाद को आंखों की ठंडक बना देगा, और वो बच्चियाँ जो शादी के लिए तैयार नहीं होती वो शादी के लिए भी तैयार हो जाएंगी, और जो बच्चे नाफरमान हैं और बदतमीज़ी से बात करते हैं अल्लाह उनको भी अदब अता फरमा देंगे। बहुत मुनाफे इस अमल के, आप इसको शुरू करें, मैं भी दिल से दुआ करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।